पैनिक अटैक क्या होता है इसके बारे में काफी सारे लोगों के आजकल फोन आ रहे हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि और एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं आपको अभी पैनिक अटैक के बारे में एक वीडियो बनाता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक, पैनिक मतलब एकदम घबराहट, अटैक मतलब एकदम जोर से, एकदम अनप्रेडिक्टेबल, कोई सोचा नहीं था, ऐसा एकदम जोर का घबराहट का झटका आना, पैनिक अटैक ऐसा हो जाता है। और वो जो डर का झटका है उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वो व्यक्ति को बेचैनी होती है, हाथ थर थर आना, पैर थर थर आना, पूरी बॉडी थर थर आती है, पसीना आता है, सीने में धड़ 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 बहुत तेज़ी से हार्ट चलता है, ऐसा लगता है कि उसका बैलेंस निकल जाएगा, गिर जाएगा वो, उसको चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, उसको लगता है कि अपने को अटैक आ गया, सिर घूमने लगता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होती रहती है, और फिर वो इतना घबराहट हो जाती है कि उसको लगता है कि अभी मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, उसको लगता है कि एक तो मैं पागल हो जाऊंगा, अटैक आके मर जाऊंगा, यहाँ कहीं तो भाग जाना चाहिए मैंने, ऐसा उसको लगता है। फिर एक तो क्या करता है वो कि एक तो उसके घर वाले लोगों से मदद लेके उनसे या खुद फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागेगा और वहाँ जाके फिर एडमिट हो जाएगा, वहाँ टेस्ट करेगा। यूजुअली क्या होता है कि जो अटैक आते हैं ये 20 से 30 साल की उम्र में रहते हैं और ये उम्र में वैसे ही हार्ट का प्रॉब्लम कम है रिलेटिव। अभी होता क्या है इसमें, वो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, ईसीजी निकालते हैं मतलब कार्डियोग्राम निकालते हैं, सब ब्लड टेस्ट करते हैं, इको करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब तरह की जांच हो जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है, आपको कोई बीमारी है नहीं, आपको पैनिक अटैक है। मगर वो स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं होती, 20-25 मिनट के बाद में वो अटैक निकल जाता है। ये अटैक बिना किसी वजह आता है, एकदम अचानक आ जाता है, तो फिर उसको ये डर लगता है कि अभी इसके बाद में भी अटैक आएगा, तो एक पैनिक अटैक ये हो गया। अभी पैनिक डिसऑर्डर क्या है कि जब अटैक ये बार बार जब आते रहते हैं तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। व्यक्ति क्या करता है अभी कि समझो उसको बाजार में, मार्केट में उसको अटैक आ गया है ऐसा, तो फिर अभी बाजार जाने का उसको डर लगता है, वो जाना छोड़ देता है, या उसको ड्राइविंग करने के समय अटैक आ गया, वो ड्राइविंग करना बंद कर देता है, मतलब वो अभी धीरे 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 अपनी एक्टिविटीज अवॉइड करना चालू करता है कि उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा और अटैक आ गया तो मर जाऊंगा, इससे अच्छा घर में रहना अच्छा है। फिर उसका सोशल रिलेशनशिप, रिश्तेदारों के साथ में आना जाना, काम करना, बातचीत करना, सब मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और एक जगह वो जकड़ जाता है, कंटिन्यूस उसको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जब वो डॉक्टर की तरफ जाता है, डॉक्टर उसको एंग्जाइटी कम करने की दवाई या रिलैक्सेशन की दवाई देते हैं, सोने की दवाई देते हैं, और उसको बोलते ठीक है कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा सोचो मत, कुछ नहीं हुआ, आपको अटैक नहीं आएगा, मगर ऐसा बोल के होता नहीं। अब इसकी शुरुआत कैसी होती है? देखो, किसी को उनके रिलेटिव्स में किसी को एक्चुअली कोई बीमारी हुई होंगी अटैक की, वो देख के, या कोई रिलेटिव्स में बोलो या दोस्तों में बोलो या कहीं सुना होगा, वो सुन के ऐसा हो सकता है, या उसको खुद को ऐसी कोई बीमारी है, मेडिकल कंडीशन, कि उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ तो भी हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। काफ़ी सारे लोगों को बिना कुछ वजह आता है। अभी ये अटैक एंग्जाइटी अटैक से डिफरेंशिएट कैसे करना? एंग्जाइटी अटैक जो आते हैं उसके लिए कुछ तो भी स्ट्रेसर रहता है, कुछ तो भी कारण होता है, और बाद में एकदम एंग्जाइटी अटैक आता है और वो एकदम शॉर्टली होता है, अच्छा हो जाता है आदमी, जैसे स्ट्रेसर निकल जाएगा आदमी अच्छा हो जाएगा। ये अटैक जो है पैनिक अटैक, ये कम से कम 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक चलेगा, तो ये दोनों में फ़र्क है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? क्या था, कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि सेरोटोनिन लेवल कम होने से ये एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आते हैं, तो लोग सेरोटोनिन की दवाई लेते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलाम जैसी कोई दवाइयाँ या क्लोनेजेपाम जैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं तो दवाई के बिना हिप्नोथेरेपी, रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट, मेडिटेशन से ही लोगों को अच्छा करता हूँ, क्योंकि मेडिसिन कितना लेंगे? बहुत ही ज़्यादा किसने बोला कि नहीं नहीं मुझे अटैक आएगा तो हम उसको दवाई देते हैं जबान के नीचे रखने के लिए, माउथ डिजॉल्विंग, तो माउथ डिजॉल्विंग जब गोली लेते हैं तो वो अटैक फटाक से निकल जाता है, जैसे वो अटैक आगे निकल जाएगा उसको अच्छा लगता है, और ताकि फिर वो बार बार अटैक से अपने को जो डर के मारे जो भागते रहता है इधर उधर या जाके एडमिट हो जाएगा वो होता नहीं है। इलाज क्या है इसका? हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, मेडिटेशन, और उसके साथ साथ एक्नॉलेज करना वो पेशेंट ने खुद ने कि नहीं मुझे अटैक है, इसका नाम है पैनिक अटैक, कोई सीरियस नहीं है क्योंकि मैंने सब टेस्ट किए हुए हैं, अपना फोकस कहीं पर भी लगा दो, कोई गोल्स के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर, कहीं ना कहीं मतलब कोई अपने जो गोल्स है उसके ऊपर फोकस कर दो, कोई दोस्तों को कॉल करो, कोई एक्टिविटी करना चालू करो, उस समय लंबी लंबी सांस लो और छोड़ो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, उस समय भागा दौड़ करने की जरूरत नहीं है, यह आप करते हो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा लोगों को जरूर शेयर करो,
आपको इसके बारे में कुछ सवाल होंगे, आपके परिचित लोग होंगे, उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें बोलो। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो कॉल्स करते हैं और लोगों को अच्छा करते हैं। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।